अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने वर्ड एक्सेल का काम शुरू किया हुआ है, तो हमारी एक्सेल की आज थर्ड क्लास है। पहले दो क्लासेस हमारी हो चुकी है, उनकी वीडियोस का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट कोर्स होगा, इसमें पूरा एक्सेल का कोर्स हम सीख लेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आएगी। अगर आपको समझ ना आए, किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वारी हो, या इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के मुतालिक वीडियो बनवाना चाह रहे हो या कोई और भी मसाइल हो, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। जीमेल मेरा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होता है, उधर आके मुझसे पूछा करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछा करें। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करना सीखेंगे। तो हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, उसी तरह जैसे हमने पिछली वीडियो में बनाया था। तो इन दोनों को हमने पकड़ना है और ये हमने ले जाना है जितना बनाना चाह रहे हैं। फर्स्ट पहले मैंने 8 तक बनाना है, 8 तक आ गया। अब हमने डेट लिखनी है, डेट आ जाए 26 और 2022, ठीक है। इसी तरह नीचे भी लिख लेंगे 21 6 और 2022। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने ना टेबल बुक क्रिएट कर लेना है। तो ये भी तो एक सिंपल सा एक मेथड बता रहे हैं कि किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है, सबट्रैक्शन फार्मूला हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ आ जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मेरी वीडियोस का आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर आपको तरीका अच्छा ना लगे तो भी बताएं, तो हम किसी और तरीके से इसको सिखाएंगे। तो हमारा मकसद है आपको सिखाना, अगर आपको समझ ना आएगी तो फिर फ़ायदा। तो आप लोग बताया कीजिए जो भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूं। ये हम लोगों ने डेट लिख ली इधर 2022, ठीक है। अब हमारी पॉकेट मनी फर्ज करें 20 तारीख को हमें मिली थी पॉकेट मनी 1500 रुपया, ठीक है। इस तरह हमें 21 तारीख को मिली थी हमें 1000 रुपया, ठीक है। और 22 तारीख को हमें मिली थी 500 रुपया, इस तरह हमें मिली थी 700 रुपया, फिर हमें मिली थी 2000 रुपया, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने मुख्तलिफ लिख लेने हैं जितनी आप लोगों की पॉकेट मनी होगी, ठीक है। फिर हमें मिली थी 2600 रुपया, फिर हमें मिली थी 100 रुपया। तो उसमें मैंने 1500 रुपये में मैंने एक्सपेंस कितना किया, मैंने 800 रुपया अपना एक्सपेंस कर लिया। अब इधर मैंने 500 रुपया कर लिया, ठीक है। इधर मैंने 400 रुपया कर लिया, इधर मैंने 700 रुपया कंप्लीट अपना खर्च कर लिया, इधर मैंने कर लिया 1500 रुपये कर लिया इस डेट को, और इस डेट को मैंने कर लिया 400 रुपया जस्ट, और इस डेट को मैंने कर लिया 3200 रुपया, और इस डेट को मैंने कर लिया 100 रुपया, ठीक है। अब मैंने सेविंग फाइंड आउट करनी है कि मैंने मेरी पॉकेट मनी मेरी इतनी है और मैंने खर्च इतना किया है, तो मेरी सेविंग कितनी होगी, ठीक है। वो हम देखेंगे माइनस का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो माइनस का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों ने पॉकेट मनी में से एक्सपेंसेस को निकाल देना है, जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो हमारी सेविंग होगी, ठीक है। अब निकालना बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे हम लोगों ने इज इक्वल डाल के प्लस सम लिखते थे और आगे फार्मूला पुट करते थे, हमारे पास सम आ जाता था। इसी तरह हमने इधर लिखना है इज इक्वल डालना है, ये मैंने इज इक्वल डाल लिया। अब मैंने करना माइनस, ठीक है। माइनस मैंने कौन सा करना है, सी वाले कॉलम पर है 2, मैं लिख रहा हूँ इधर C2, ठीक है, वो हो गया सिलेक्ट। अब मैंने माइनस का साइन डालना है, ठीक है, ये माइनस का साइन आ गया। अब किस में से माइनस करना है, मैंने ये D2, ठीक है, ये D वाले कॉलम पर है और ये 2 पर है, तो मैंने लिख देना D2, ऑटोमेटिकली हो गया सिलेक्ट। अब आप लोगों ने इधर इधर एंटर मार देना, तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास सेविंग है मेरी, एक 20 तारीख को जब मुझे 1500 रुपये मिला और 800 रुपये मैंने खर्च कर लिया, तो मेरे पास बाकी जो बचा वो मेरे पास बचा 700 रुपया, ठीक है।
तो इधर एक अल्टरनेट मेथड आपको एक और बताता हूँ मैं। फर्ज करें हमें अगर हमने माइनस करना है तो हमने इज इक्वल का साइन डालना है, और हमने माइनस किसको करना है, किस में से किस चीज़ को माइनस करना है, हमने इसमें से माइनस इधर माइनस का साइन डाल देना है। हमने माइनस करना है माई एक्सपेंस ये वाला, इस पर क्लिक कर दिया, एंटर का साइन हमारा मेरे पास 700 रुपये आ गया। देखने वही अमाउंट आ रही है जो पहले आगे आ गई है। आप लोगों ने इसको कोने से पकड़ के एंड तक लेके आ जाना, ये हमारे पास आ गया टोटल, हमारे पास पूरे का पूरा हमारे पास चार्ट आ गया। ठीक है, यानी 25 तारीख को मैंने कितना लिया, कितना खर्च किया, कितना बचा। ठीक है, इस तरह 27 को 20 24 को 23 को 21 को 22 को, ये सारा मेरे पास एक ना चार्ट आ गया। हम इसको ना हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, हाईलाइट का मैंने आपको बताया था किस तरह हम लोगों ने करना है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर लिया। अब हम लोगों ने इधर करना है, अब हम देखना है कि हमें टोटल पॉकेट मनी कितनी मिली है। ठीक है, यानी 20 तरीके से लेकर 27 तरीके तक मुझे टोटल पॉकेट मनी कितनी मिली है, तो हम इधर कर लेते हैं बेसिकली प्लस को। तो हमने इज इक्वल करना है, इधर हमने सम का साइन डालना है क्योंकि हम प्लस कर लेना, टोटल हमें पॉकेट मनी कितनी मिली है, हम लोगों ने सम का साइन डालना है। ठीक है, वही वही तरीके का रहा है, ये C2 पर है, आप लोगों ने C2 लिखना है, फिर आप लोगों ने ये वाला साइन डालना है, ये वाला साइन डाला, फिर एंड वाली अमाउंट कौन कौन से कॉलम पर है, ये C9 पर, आप लोगों ने C9 लिख देना है। ये सारा का सारा हो गया सिलेक्ट, और आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना, ये आप लोगों की टोटल पॉकेट मनी आ जाएगी, आप लोगों को टोटल पॉकेट मनी कितनी मिली है। ठीक है, और आप लोगों का एक्सपेंसेस कितना है टोटल, वो भी सेम तरीके अगर इसको कोने से पकड़ के आप लोगों ने आगे ले जाना है, ये आ जाएगा टोटल आपका एक्सपेंसेस। ठीक है, और अगर आप लोगों ने सेविंग करने टोटल किया, यानी मेरी टोटल सेविंग कितनी हुई है पूरे 8-10 दिनों में, तो वो भी इसको पकड़ के आप लोगों ने एंड तक लेके आ जाना है, ये आ गया। ठीक है, अब देखें आपको 13,400 रुपये आपकी पॉकेट मनी है पूरे 8 दिनों की, और उनमें से आपका एक्सपेंसेस है 7,600 रुपया, 7,600, और आप लोगों को सेविंग कितनी हुई है 5,800 रुपया। ठीक है, ये आप लोगों का एक सिंपल सा मेथड था। अब हमने इसको एक बड़े कॉलम पर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने इसको ठीक है, आप लोगों ने इधर आके इसको क्लियर करना है सबसे पहले, तो ठीक है, तो इसके अलावा इसको आपने मर्ज कर लेना, इधर आके ये मर्ज हो गया हमारा, इधर आप लोगों ने लिख रहे ना माई पॉकेट मनी। ठीक है, ये हमने पॉकेट मनी लिख दिया, इसको आप लोगों ने थोड़ा हाईलाइट कर देना है। ये हम लोग अपने लिए ना एक अलग चार्ट बना रहे हैं ताकि हमें जैसी फाइल को ओपन करें हमें पता चल जाए हमारी पॉकेट मनी कितनी है। ठीक है, अब इधर आप लोगों ने आप लोगों की टोटल पॉकेट मनी कितनी है, टोटल पॉकेट मनी आप लोगों की है 13,400 रुपये, आपने उसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। सॉरी, इधर आप लोगों ने इज इक्वल का साइन डालना पहले, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, पर एंटर मारना है वही अमाउंट आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोगों ने एक और मर्ज कर लेते हैं सेंटर थोड़ा सा। ठीक है, इधर आप लोगों ने लिखना है आपकी सेविंग, टोटल सेविंग। ठीक है, ये हम लोग लिखनी है, और इसको थोड़ा हम लोगों ने कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसको और कलर कर देते हैं, ये ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने मर्ज कर लेना फिर, और जो सेविंग वाला बॉक्स है ना वो हमारा ये है। ठीक है, पहले आप लोगों ने इज इक्वल का साइन डालना है, फिर इस सेविंग वाले के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है कि ये कर दिया, और एंटर डालना है, ये आप लोगों की सेविंग आ गई। ठीक है, अब इस तरह एक एक्सपेंस का भी खाना बना लेते हैं हम, एक्सपेंसेस का, ये हम लोगों ने मर्ज किया, और इधर आप लोगों ने माई एक्सपेंस। ठीक है, और इधर आप लोगों ने अपना एक्सपेंस लिख देना है जितना भी होगा। ठीक है, इसको कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए
एक्सपेंस आप लोगों का जितना भी है ना उसके ऊपर आप लोगों ने आके क्लिक कर देना है, ये आप लोगों के एक्सपेंसेस हैं एंड फिर मैंने ये आप लोगों का लिखा हुआ। ठीक है, अब देखें अगर आपके सामने कोई भी फाइल ओपन होगी तो आपको साफ पता चल जाएगा कि आप लोगों की टोटल पॉकेट मनी इतनी है, सेविंग इतनी हुई है, एक्सपेंस आपका इतना है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेविंग कितनी है, पॉकेट मनी कितनी है और एक्सपेंस हमारा कितना है। ठीक है, इसके अलावा हम इसका एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं माइनस के फार्मूले का। ठीक है, वो हम बेसिकली देखेंगे अभी। तो फर्ज करें हमारे पास है, इधर है हमारे पास 400 रुपया लिख लेते हैं, वैसे 400, इधर हमारे पास है 500, सॉरी 500। ठीक है, इधर हमारे पास है 1500, इधर हमारे पास है 2000। ठीक है, इधर हमारे पास है 3000। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि पहले तीन हम जो है ना वो जमा करें और आखिरी में आखिरी को उनमें से माइनस कर दें। ठीक है, आप लोगों ने वही फार्मूला इज इक्वल डालना है और सम का ऑप्शन लिखना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये वाले कॉलम के कॉलम पे ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, कोमा डालना है, फिर नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा अगर ये आप लोगों ने नहीं करना तो सिंपल है, इज इक्वल डालें। ठीक है, ये कॉलम सिलेक्ट करें और प्लस का साइन दें, फिर नेक्स्ट वाला, फिर प्लस का, फिर नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये तीनों हमने की प्लस, ये भी प्लस करें। ठीक है, अब ये तीनों हमने कर दिया प्लस, अब इनको हमने इनमें से हमने माइनस कर देना है ये लास्ट 300 रुपया। ठीक है, और हमने इज इक्वल डालना है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, पहली चार को उसने प्लस कर दिया और जो आंसर आया उसमें से हमेशा 300 उसने माइनस कर दिया, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 4100 रुपया। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिवीजन और मल्टीप्लाई का फार्मूला देखेंगे, फिर इसके बाद सैलरी शीट होगी, डाटा एंट्री होगी, इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इंशाल्लाह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया।